ओके जी, तो कल हमने स्टार्ट किया था पार्सल ओपन करना और हम पहुंच गए थे मोहनजोदड़ो, और अब इस वक्त हम हैं खैरपुर में और हम जा रहे हैं फैज़ महल, और बाकी का पार्सल हम रास्ते में खोल रहे हैं। हेयर इज़ द व्यू। ओके, देखते हैं कि इसमें क्या है। खामा खाज एक्साइटमेंट क्रिएट करी चली आई के बॉक्स से पोया। ये बहुत क्यूट सा खूबसूरत सा पैक किया हुआ है, मुझे इसको ख़राब करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन विल हैव टू लुक इनटू इट। ओके, आई लव दिस रोड। एक घंटों लगाई जो विजिट थे, ये मैं जल्दी वापस उठी हो जाऊँ। हाँ, एक घंटों लगाई जो छो एक घंटों। ओके, ये स्वीट डिश है कोई? मेरे ख्याल में कोई टीचर के। और हम फैज़ महल भी पहुंच गए हैं, जब तक ये ओपन करवाते हैं तब तक हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें, कौन सा स्वीट है, और रास्ते में हम खाते हुए चलेंगे। जनाब, ये घोड़ा है किसी का, जब से ही रॉयल्टी की फीलिंग आने शुरू हो गई है घोड़ा देख के। ठीक है, जब जब तक हम परमिशन ले लेते हैं तब तक हम स्वीट डिश ओपन करके चख भी लेते हैं। और मेरे साथ है मेरे कलीग्स जयराम एंड अदा खट्टरमल, से हाय। हाय। ओके, और हमारे साथ हैं अदा इरशाद, जो कि हमें रॉयल्टी का पैलेस विजिट कराने वाले हैं। मैं इसको बास्केट से निकाल लूं, बहुत हो गया टशन। हाँ जी, एक हाथ से ही मेहनत कर रहे हैं। हाँ, है ना। सर जी, स्वीट डिश है कोई? यहाँ तो कोई मावा है आई थिंक। हाँ जी, स्वीट। और ये यहाँ से ओपन होना था। फाइल जो आया जो है, गाड़ी में ही पे हो रहा है। चलें जी, स्वीट डिश ओपन हो चुकी है। ये मिठाई है ख़ास जो टीचर्स ने अपने एरिया से लाई थी मेरे लिए, और अब ये हम सब खाने लगे हैं। ट्रीट्स टू ऑल। अदा तांक शुरू कर। पहले मेहमान, पहले मेहमानों को दिया। खाएं पहले, आप खाएं। जयराम, बस पकड़े उठो, पकड़े उठो बॉक्स। तो माने खाई दो यार, मांग खाई दो, मुझे ला बचाए दो। मुझे ला बचाए दो भैया। चलिए जी, थैंक यू सो मच। मेरे टीचर्स, मेरे टीचर स्टूडेंट्स, इन्होंने मुझे ये ट्रीट्स दी और ये बहुत मज़े किए हैं। थैंक यू सो मच। और अब बाकी का व्लॉग आप देखेंगे फैज़ महल में। Stay tuned. चलो सही है सर, ठीक ठीक।
Whoa, look at this. ओके तो अब जो है ये अदा हमारे साथ हैं जो हमें महल के हवाले से गाइड करेंगे, तो आए सुनते हैं महल के बारे में। ये पहला नवाब सुरात खान डालबो जिसने रियासत का बुनियाद रखा था, ये 1783 हुकूमत शुरू की थी 1830 तक। ये सुरात खान का बेटा है अली मुराद खान वन। छः पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, सातवीं पीढ़ी अली मुराद खान को ये जो मौजूद है। अच्छा, ये भी मौजूद है। ये यही खान अयूब खान, असद खान, हेड मार्शल, देखो ये कारपेट वही है 100 साल पुराना जिस पे आप खड़े हैं। बिल्कुल, दिस इज द कारपेट, सेम वन। और ये कुर्सियां भी जल वही है, ये झूमर वही जल रहे हैं 100 साल पुराने, ये शोके दिए झूले सारे उसी दौर के। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं कि उसी दौर के हैं। ये पहला वजीर आजम पाकिस्तान का लियाकत अली खान, ये खैर पुलिस स्टेशन पर आया था तो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है जैन सलीम मुराद खान जो मौजूद है। 88 में जल रहा है एज इसकी। अच्छा, 88 ईयर्स के हैं अभी वो। दो बेटे हैं इसको, नदी राजा और नीर अबा, दो बेटे हैं जैन जो आज माशाल्लाह मौजूद है। ये और दूसरे बेटे हैं उनके। हाँ, ये बड़ा बेटा है इसका मीर अब्बास, ये नदी राजा जो कि अभी ये जैन जब बरतानिया से आया था तालीम करके तो अपनी रियासत खैरपुर के अवाम इस्तकबाल कर रही है इसकी। अली मुराद खान जो मौजूद है। अच्छा, ये देखो चार्ट रियासत के मुकाबले में खैरपुर की शुरा की आमदनी में इजाफे का चार्ट। देखो खैरपुर किधर है, उरूज पे पाकिस्तान 0 पे 1955 में। खैरपुर देखो ये उस दौर में सबसे तरक्की याफ्ता खैरपुर हुआ करता था, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता रियासत हुआ करती थी। खैरपुर बजट में तालीम का हिसाब देखो, खैरपुर कितना खर्च करती थी एजुकेशन पे, ये खर्च है जी पाकिस्तान 5% से भी कम करता था। हाँ। जबकि और सोने का तोला 12 ग्राम का 47 रुपए मिलते थे 1954 में रियासत में खैरपुर में। अभी 10 तोले का 10 ग्राम का तोला है। सुपर, और क्या दिखा रहे हैं भाई आप हमें? ये अली नवाज नाज, ये शायर भी था और उसके फैज मोहम्मद खान ये बेटा है इसकी शादी में, हैदराबाद दखन की है। नीलो फरतुल शाहवार नाम है इसके, ये निजाम ऑफ हैदराबाद ये दावत में आए थे। इनकी शादी की तस्वीर है, ये फैज मोहम्मद खान हैदराबाद दक्कन से शादी की थी। अच्छा, इसके बेटे ने हैदराबाद दक्कन से शादी की थी उन्होंने। ये फैज मोहम्मद जिस पे आप खड़े हैं, अपनी फौज खड़ी है बादशाह की रियासत में। ये रियासत खैरपुर की आर्मी थी जो फैज महल में आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड अली नवाज नाज इसका दादा है, बड़ा शायर भी था, शायर भी थे और गवाना भी थे। और सिविल अस्पताल और ये शजरा इसका सोराब से लेकर अली मुराद। ये उनकी फैमिली है, ये लियाकत अली खान और अली मुराद खान जो मौजूद है बादशाह ताजपोशी में। अच्छा, ये इनकी ताजपोशी की तस्वीर है। और ये क्या अंग्रेज पेश कर रहे हैं उनको? अच्छा, अली मुराद खान का बेटा है फैज मोहम्मद खान। अली मुराद का बेटा फैज मोहम्मद खान, फैज मोहम्मद खान ने बनवाया ये। अच्छा, ये महल इन्होंने बनवाया था। ओके ओके, ये 1875 में बनाए 1 लाख में, 1 लाख रुपीस में। 36 कमरे 12 एकड़ पे मुश्तमिल है। 36 कमरे 12 एकड़ पे, ओके, 1 लाख में बना हुआ है। 1 लाख का नाम है लखी बंगला, लखी बंगला कहा जाता है इसको। अच्छा, तो इसको हम फैज महल क्यों कहते हैं? अब फैज मोहम्मद खान ने बनाया, फैज मोहम्मद खान ने बनाया, इसीलिए हम इसको फैज महल कहते हैं। ओरिजिनल नाम इसका लखी बंगला है। ओके, डॉक्यूमेंट्री है, 1 पेज है, 2 पेज है, कायदे आदम सिग्नेचर है, वादा हो जाएगा ये एम एज ना। अच्छा अच्छा, चलिए जी ऑटोग्राफ देख लें आप बाबा कौम का। ये मुआयदा है
और ये डॉक्यूमेंट्री है और ये इमेज ना कैसे और ये कुछ तारीखी तस्वीर है और उसकी बेगम साहब ने लगा था ली और अली मुराद खान के जायनेस जो मौजूद है जायनेस लगा बाकी रजन दिया था हां नाम अली मुराद खान है देखो शोकेस वही है इधर देखो इधर हुसैन वे वही शोकेसेस हैं जो आप अब भी देख सकते हैं ये यहां ये इसी बैठक में तस्वीरें ली गई थी सो कूल ओके और क्या दिखा रहे हैं आप हमें फैज मोहम्मद खान का बेटा इमाम बख्श इमाम बख्श खान ये सिक्के चलते थे चांदी के जब रियासत बादशाह की ये सिक्के चलते थे रियासत खैरपुर में इंडिया में भी चलते थे ये सही अच्छा सिपाही हां ये रियासत हमारी कितनी बड़ी थी खैरपुर रियासत ये खैरपुर रुझान जमाल भी खैरपुर में थी मिठनकोट ये रुझान जमाल बलूचिस्तान में ये खैरपुर में थी मिठनकोट और गंदा वागड़ी खैर से लगता है जगह माते ये खैरपुर में थे कोट सबजल भी खैरपुर में थे पंजाब वाला ये हैदराबाद और मीरपुर का छोटी रियासत थी बड़ी रियासत खैरपुर की ये देख ले आप ये ओवरऑल सिंध का मैप है और ये देखें खैरपुर का फैलाव 1823 की ये मैप है मैग्निफिसेंट फैज मोहम्मद खान जॉर्ज फाइव के साथ इनकी तस्वीर है ब्रिटेन के गवर्नर बीच में हमारा नवाब अली मुराद खान पीछे ही फंस रहा है पीछे अयूब खान और आगे ये नवाब है अली नवाब खान की तस्वीर है ये मोनोग्राम से खैरपुर की खैरपुर स्टेट ये अली नवाब खान की तस्वीर है आप जिधर जाएंगे तस्वीर आपको देखेंगे जिसको हम अच्छा इस वक्त हम जा रहे हैं एक कुर्सी पे जो कि यहाँ के प्रिंट्स यूज़ करते थे और ये तो बता रहे हैं कि प्योर चांदी की बनी हुई है सी हाउ ब्यूटीफुल दैट इज और ये ये 1928 में दिसंबर ऑफ प्रिंस सारी रियासत के बादशाह बैठे हुए हैं हमारे खैरपुर का रियासत बादशाह अली नवाब खान ये बैठा हुआ है ये कोई मीटिंग की तस्वीर है एक साल में गर्जन होती थी साल में गर्जन होती थी एनुअली एक मीटिंग होती थी तस्वीर अली मुराद खान की मौजूद है अच्छा उसी जो आपने बताया कि 88 ईयर्स के हैं ये हैदराबाद दखन में अली नवाब खान शिकार के लिए असली है ये असली शहर है हैदराबाद दखन में आंख और जुबान का लेके आंख और जुबान का ले और असली है ये दोनों शहर आंख और जुबान इसकी नकली है बाकी ये असल शहर है और इसको ममीफाई किया गया है जो कि प्रिंस ने खुद शिकार किया था ये फैज़ अली नवाब खान जिसने शिकार किए थे इसने शिकार किए थे शहर ये रियल और ये भी देखिए ये भी एक टाइगर है जो कि ममीफाई किया गया है और ये भी प्रिंस ने खुद शिकार किया था बता रहे हैं कि इसकी ज़बान और आंखें नकली हैं बाकी ये ओरिजिनल शेर है जिसको ममीफाई करके डिस्प्ले कर दिया गया है यहाँ पे और ये मज़ीद कुछ तस्वीर है फ्रॉम द हिस्ट्री
ਐਂਡ ਦ ਟਾਈਗਰ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਕਿ ਇਸਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਇਹ ਬਿਠਾ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਨਾਲ ਖਾਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਆਸਤ ਕਾ ਬਾਸ਼ਾ और इस वक्त जा रहे हैं हम प्रिंस के डाइनिंग रूम में। यह अखरोट की लकड़ी से टेबलें बनी हुई है उस दौर की है जब मशीनरी भी नहीं थी, हाथ की बनी हुई है। हाथ की बनी हुई है अखरोट की लकड़ी वॉलनट ट्री से बनी हुई है। और ये देखिए डाइनिंग हॉल इनका खूबसूरत छत आप देख सकते हैं कितना बारीकी से खूबसूरत गोल्डन काम किया गया है इस पर। और यहाँ तकरीबन कितने लोगों की बैठने की जगह है? 30 की जगह है। See how beautiful that is. ये डाइनिंग हॉल है और ये जो हमने मेन हॉल देखा था ये दरवाज़े वहाँ पे खुलते हैं और यहाँ पे भी इस साइड पे भी आपको दरवाज़े नज़र आएंगे और विंडोज़ नज़र आएंगे जो कि बाहर की तरफ खुलते हैं। और अगर हम इसको ओपन करें तो हमें ये वेंटिलेशन के लिए बनाई गई हुई है। ओके जी आगे चलते हैं। ओके जी तो अब हम बाहर जा रहे हैं गार्डन की तरफ। मैं अपने शूज़ पहन लूँ। महल के सारे अतराफ बहुत खूबसूरत लॉन्स बने हुए हैं। ये देखिए आप और ये रहा फैज महल बाहर से। ये भाई इस वक्त गार्डन को पानी दे रहे हैं। Beautiful. ओके जी तो ये कंप्लीट अपने महल देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मज़ा आया होगा। अब किसी और व्लॉग में किसी और वीडियो के साथ किसी इंटरेस्टिंग प्लेस के साथ फिर से हाजिर होंगी। आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।